सो गाइस वेलकम टू योर चैनल रसल वर्ल्ड। तो गाइस रॉयल नंबर WWE का एक बहुत ही बड़ा मैच होता है और जो भी रॉयल नंबर मैच को जीतता है उसे एक WWE चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता है रसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर। और ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि रॉयल नंबर का कोई बड़ा सुपरस्टार ही जीतता है। लेकिन गाइस 10 ऐसे भी बड़े रेसलर हैं जिन्होंने अपने कैरियर के अंदर कभी भी रॉयल नंबर मैच नहीं जीती है, जिनको के देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। नंबर 10 पे नाम आता CM Punk का। तो गाइस CM Punk जो कि 2014 तक WWE के अंदर थे, अगर वो बहुत ही बड़े रेसलर थे WWE के अंदर और वो ऐसे रेसलर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम अपने पास WWE चैंपियनशिप रखी हुई थी, लेकिन वो भी अपने कैरियर के अंदर कभी भी नहीं जीत पाए रॉयल नंबर मैच। नंबर 9 पर आता है डैनियल ब्रायन का। तो गाइस डैनियल ब्रायन जो कि करंटली अभी स्मैकडाउन के रेसलर है, अगर उन्होंने भी WWE के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया, वो ऐसे रेसलर है जो कि रसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट भी कर चुके हैं। लेकिन गाइस उन्होंने रसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट तो किया लेकिन उन्होंने कभी रॉयल नंबर मैच नहीं जीता। नंबर 8 पे नाम आता केन का। तो गाइस केन जो कि अब मेयर बन चुके हैं और वो पहले WWE के अंदर रेसल किया करते थे, अब तो वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस केन ने कभी रॉयल नंबर मैच नहीं जीती है और केन का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा बार अपेयरेंस लिए रॉयल नंबर के अंदर, लेकिन उन्होंने कभी भी रॉयल नंबर मैच नहीं जीती है। नंबर 7 पे नाम आता है यहाँ पे क्रिस जेरिको का। तो गाइस क्रिस जेरिको जो कि करंटली अभी AEW के स्टार है, अगर जो पहले WWE के अंदर रेसल किया करते थे, WWE के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम भी कमाया और बहुत समय तक वो WWE के अंदर रेसल भी किए, लेकिन गाइस उन्होंने भी अपने कैरियर के अंदर कभी नहीं जीती रॉयल नंबर मैच। नंबर 6 पे नाम आता है AJ स्टाइल्स का। तो गाइस AJ स्टाइल्स जिनका नाम अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है WWE के अंदर, और गाइस उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा नाम कमा लिया WWE के अंदर, लेकिन वो कभी भी रॉयल नंबर मैच नहीं जीते। उसके अलावा WWE के अंदर उन्होंने लगभग सारे कुछ हासिल भी कर लिया। नंबर 5 पे नाम आता है ब्रेट वायट का। तो गाइस ब्रेट वायट जो कि अब द फिंड के नाम से जाने जाते हैं स्मैकडाउन के अंदर, अगर उन्होंने भी WWE के अंदर काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी सारी चैंपियनशिप जीती, यूनिवर्सल चैंपियनशिप, WWE चैंपियनशिप, लेकिन वो कभी नहीं जीत पाए रॉयल नंबर मैच। नंबर 4 पे नाम आता है बिक्सो का। बिक्सो ने भी WWE के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया और काफ़ी लंबे टाइम तक वो WWE के साथ रहे भी है, काम भी किया है, और उन्होंने भी काफ़ी सारी चैंपियनशिप जीती है, लेकिन वो भी नहीं जीत पाए रॉयल नंबर मैच। नंबर 3 पे नाम आता है मिक फॉली का। तो गाइस मिक फॉली जो कि काफ़ी खतरनाक रेसलर थे अपने टाइम के WWE में, अगर उन्होंने भी काफ़ी कुछ हासिल किया, काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया WWE के अंदर, लेकिन अपने कैरियर के अंदर वो नहीं जीत पाए रॉयल नंबर मैच। नंबर 2 पे नाम आता है डीन एम्ब्रोस का। तो गाइस डीन एम्ब्रोस ने भी WWE के अंदर काफ़ी कुछ हासिल किया, वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी थे WWE के अंदर, लेकिन उन्होंने कभी नहीं जीती रॉयल नंबर मैच। और वहीं बात करें उनके शील्ड ब्रदर जो कि रोमन एंड सेट रॉलिंस है, उन्होंने रॉयल नंबर मैच दोनों जन जीत के रखे एक अखबार, लेकिन डीन एम्ब्रोस ये काम नहीं कर पाए। नंबर 1 पे नाम आता कर्ट एंगल का। तो गाइस कर्ट एंगल भी काफ़ी बड़े रेसलर थे अपने टाइम के WWE के अंदर, वो ऐसे रेसलर थे जिन्होंने रसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट भी किया था और उन्होंने काफ़ी सारी बार WWE के सबसे बड़े बिग ब्रॉक लेजेंड को भी हराया है, लेकिन गाइस वो भी अपने कैरियर के अंदर कभी नहीं जीत पाए रॉयल नंबर मैच। तो गाइस यही थे वो 10 रेसलर जिन्होंने अपने कैरियर के अंदर कभी भी नहीं जीती रॉयल नंबर मैच। तो आप लोग वीडियो सुनाया, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।